तो गाइस टाइपिंग का काम करना चाहते हो, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से। और मैं अगर कहूँ कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है, वहाँ से आपको काम मिलता है 101% गारंटीड, कोई भी झोल मोल होने की चांसेस नहीं है, तो क्या आप ऐसी वेबसाइट पे काम करना चाहेंगे? कैसा सवाल है यार, ऐसी वेबसाइट तो आप ढूंढ ही रहे, क्योंकि आप भी परेशान हैं ऐसी जगह पर अप्लाई कर, लेकिन आपको एंड ऑफ द रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ नहीं, नील भट्टा सन्नाटा, कोई काम आपको नहीं मिल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं इस वेबसाइट पर। अभी रिसेंटली मैंने एक यूट्यूबर को देखा है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो क्या करते हैं, थंबनेल में लगाते हैं कि इतने रुपए इस पेज पर फॉर्म फिलिंग का काम कीजिए, डेटा एंट्री का काम में इतने रुपए दीजिए। अंदर पता हो क्या बताते हैं कि ये देखिए ये वेबसाइट है, ये कोई पैसा नहीं देती है। अरे भाई, लोग आपकी वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो काम चाहते हैं, वो आपसे ये नहीं चाहते कि आप ये बताओ कि ये पैसे नहीं देती है। अब बताइए, अपनी अपनी दुकान चमकाने पर लगे हैं सब यूट्यूबर्स, तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना यार। आप वीडियो किस लिए देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको काम चाहिए। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये वेबसाइट काम नहीं देती या ये वेबसाइट काम नहीं देती, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ। अरे भाई, यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हो पॉजिटिव बताने के लिए, तो ये बताइए ना कि किस पे काम मिलेगा। ये सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसे लोग करते हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा। आपको वीडियो देखनी है क्योंकि आपको काम चाहिए, और इस चैनल पर आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी आपको काम मिलेगा 100% श्योरिटी के साथ मिलेगा। तो मैं आपको ऐसी ही आज वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर काम कर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, ये जो काम है टाइपिंग का, जो मैंने आपको बताया टाइपिंग का काम है, यहाँ पर आपको आखिर इनकम कितनी होगी? अगर मैं इनकम की बात करूँ तो यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी है वो है 20,000 रुपये। क्लियर बात है, 20,000 रुपये मिनिमम है, और अप टू ये जाती है 30,000 रुपये तक पर मंथ की, मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे एनुअल में, तो 2.5 लाख से लगभग 3.5 लाख रुपये पर एनुअल की ये हो जाती है। तो मिनिमम तो आप मान के चलिए कि आप 20,000 रुपये मंथली आराम से कमा लेंगे घर बैठे ही। वर्क फ्रॉम होम है टोटली, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपको घर से ही मिलेगा, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है यार। तो अभी मैं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। उससे पहले यार, हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं, लगातार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और हमारा जो डेली क्विज होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी पीछे कुछ दिनों से रिसेंटली, क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, तो मैं कोई भी गिव वे नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं यहाँ से यानी कि कल मंडे से हम रोज डेली गिव वे देंगे, और जो पुराने हैं उनको भी मैं एक साथ दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जो वादा किया है वो से मैं हमेशा पूरा करता हूँ। तो मंडे से हमारा डेली गिव वे शुरू हो जाएगा, डेली आपको पेमेंट मिला करेगी, डेली वीकली का जो होगा वो भी आपको मिलेगा। अभी जो वीकली के जो पेंडिंग थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका अपना चैनल है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे देखिए रेड कलर का एक बॉक्स बना है, उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, सबसे पहले उस पर क्लिक कीजिए। फिर साथ में ये बेल आइकन एक बनी होगी, उसको दबा दीजिए, और ऑल लिखा होगा उस पर क्लिक करना है। अब ये हम ये कहते किस लिए हैं, देखिए होता क्या है कि जैसे आज मैंने ये वीडियो बनाई है, मैंने बताया कि इस पोस्ट के लिए जॉब निकली हुई है, अप्लाई कर दीजिए। अब आप उस वीडियो को, वो आपके पास आई 4 या 5 दिन बाद, तो तब तक हो सकता है कि वो वैकेंसीज फुल हो जाएँ। तो इसलिए ये करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को उसी टाइम देखकर अप्लाई कर देंगे, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको जल्दी से जॉब मिल जाए। प्लस साथ में इसका फ़ायदा क्या है कि हम जो डेली के विनर अनाउंस करते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ से आप अर्निंग करेंगे। गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले कुछ टाइम से हमारे इस चैनल पर जो डेली विनर है वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा चुके हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो लगभग डेली जो विनर हम यहाँ से अनाउंस करते हैं उसमें से 300-400 रुपये तो एक हमारे सब्सक्राइबर कमा चुके होंगे आराम से, ऐसा मेरा बिलीव है। ऐसे ही 3 या 4 मेरे सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा वीडियो देखते ही सबसे पहले कमेंट्स कर देते हैं, वो हर रोज़ जीत रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जीत सकते? आप भी जीत सकते हैं, सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है, और वीडियो में जो हम पूछते हैं उसका आपको आंसर देना होता है मुझे। अब वो क्या सवाल होता है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ताकि आप वीडियो आराम से देखें और आपको सारी चीज़ समझ में आए। अभी जो हमारा फोकस है वो है आज की इस वीडियो पर कि आपको गवर्नमेंट वेबसाइट के साथ डेटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग, टाइपिंग, ये काम कैसे करना है।
आप बिना देरी किए सीधे आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूंगा। सारा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना गाइस, बहुत ही ध्यान से देखना है, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी आपकी। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। देखिए आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ मैं आपको वो वेबसाइट बताने वाला हूँ जो कि इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने, इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पर आप टाइपिंग का काम कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट अभी निकली हुई है डेटा एंट्री की निकली हुई है, वर्क फ्रॉम होम होने वाला है टोटली, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको जो है अपने पीसी लैपटॉप या मोबाइल से ही यहाँ पे अप्लाई करना है और घर बैठे ही जॉब लेनी है। आप देखिए जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको चेक कराऊं तो देखिए 63 पेजेस हैं जो यहाँ पे जॉब सभी है, वो है सबसे पहले देखिए डेटा एंट्री है 0 to 2 years एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप काम कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं। पोस्टेड डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 10/2 यानी कि 2 अक्टूबर यानी कल ही ये जॉब जो है वो पोस्ट हुई है। इसी तरह से नीचे देखिए यहाँ पे फ्रीलांसर है, डेटा वर्क फ्रॉम होम है, पार्ट टाइम फुल टाइम डेटा एंट्री फॉर्म फिलिंग वर्क भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये भी जो है कल ही पोस्ट हुई है यहाँ पे जॉब। अगर मैं इसकी बात करूँ जॉब लोकेशन की तो अहमदाबाद सिटी गुजरात सूरत, लेकिन क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है तो आप कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करूँ तो मैं देखिए 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए पर एनुअल है। अगर मैं इसको पर मंथ में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो 3.5 लाख का पर मंथ कैलकुलेट करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आखिर 3.5 लाख पर मंथ के हिसाब से कितना होता है। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो भी दिखाऊं वो आपको लाइव ही दिखाऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 3.5 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं, 3,60,000 है ये जो पर एनुअल दे रहे हैं 2.5 लाख से, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है अभी हम यहां से कर लेते हैं इसको गूगल से, 3,60,000 डिवाइड बाय 12 तो लगभग देखिए हमारा 30,000 रुपए पर मंथ आ जाता है गाइस। तो काफी अच्छी हैंडसम सैलरी अगर मैं बोलूं डेटा एंट्री काम में घर बैठे आपको मिल रही है, 30,000 रुपए कम नहीं होते हैं। जो मिनिमम है वो है 2,40,000। एक बार हम मिनिमम भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मिनिमम भी लेके हम चलते हैं कि कम से कम इतना तो मिलेगा ही, तो है 2,40,000। तो ये बनता है हमारा लगभग 20,000 रुपए, 2,40,000 तो लगभग 20,000 रुपए। तो 20 से अगर 30,000 रुपए के बीच में आपको घर बैठे ही अगर मिल रहे हैं सिर्फ टाइपिंग का काम कर, तो गाइस काफी अच्छी यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आपको देरी नहीं करनी है, जल्दी से इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। अब मैं बात करूँ इस जॉब की, सबसे देखिए खासियत क्या है कि एक तो ये वर्क फ्रॉम होम होने वाला है तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर इस पेज पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है। इसके नीचे देखेंगे आप अर्जेंट हायरिंग फॉर टीम लीडर यूके शिफ्ट में आपको मिल रहा है, पैकेज देखिए 7 लाख अगर आप टीम लीडर हैं तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। होम बेस्ड वर्क फ्रॉम होम एमएस एक्सेल पे इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आती है तो भी आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होने वाला है। सैलरी देखिए यहाँ पर जो है 1,30,000 से 3,20,000 पर एनुअल है। बैक ऑफिस एमएस एक्सेल बैक ऑफिस का काम अगर आपको आता है तो आप इजिली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए 1 अक्टूबर को ये जॉब निकली है। फिलहाल हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात हम कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग यानी कि डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क की। तो सिंपली इस जॉब को देखिए, आपको जो मैंने लिंक दिया जैसे ही उस पर आप जाएंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रजिस्टर किया हुआ है तो मेरा अकाउंट तो यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको अकाउंट बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है। पहले मैं इस जॉब के बारे में बता देता हूँ, जैसी ही ये जॉब आपको दिखती है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, ये अप्लाई का ऑप्शन है, इस अप्लाई के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह का आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे जॉब आईडी लिखी हुई होती है, ये देखिए जॉब आईडी है इनकी, तो कोई भी जो है चीटिंग की संभावना नहीं होती है। सैलरी यहाँ पे क्लियर दी गई है, ओपनिंग दी गई है, पोस्टेड कब हुई है, लास्ट डेट अप्लाई की कब है, 1 दिसंबर को है, तो लगभग अभी 2 महीने हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइटल देखिए फ्रीलांसर वर्क फ्रॉम होम है, पार्ट टाइम फुल टाइम में आपको ये काम मिल सकता है, अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहें तो भी मिल सकता है। सेक्टर क्या है इसका, आईटी है, कम्युनिकेशन है।
जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, टाइपिंग वर्क, इजी होम बेस्ड वर्क, डेटा एंट्री है। यू कैन अप्लाई एनी वन, हाउस वाइफ है चाहे आप रिटायर्ड पर्सन है तो भी आप कर सकते हैं। यू कैन अर्न अ गुड सैलरी एंड हैंडसम इंसेंटिव, दोनों यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो इंसेंटिव भी आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है। देखिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो अभी ये मांग रहे हैं 12वीं पास। तो अगर 12वीं पास आपने की हुई है तो आप बहुत ही इजी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करो तो देखिए जीरो लिखा हुआ है, फ्रेशर है, इसका मतलब आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। की स्किल्स आपके अंदर क्या होनी चाहिए, मैंने पहले बताया कि आपको जो है कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, डेटा एंट्री का काम आपने किया होना चाहिए, टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर ये चाहिए है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ जॉब है फुल टाइम के लिए, जेंडर कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे अप्लाई का एक ऑप्शन है, मैंने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और ये पूछ रहा है कि हमें सीधे कंपनी की वेबसाइट पे लेके जाएगा, तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया। देखिए जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो देखिए जॉब अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाता है क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे रजिस्टर आखिर करना कैसे है। तो मैंने यहाँ पे अभी साइन आउट कर दिया है। साइन आउट करने के बाद आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो इंटरफेस होगा वो इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका नीचे आता है न्यू यूजर साइनअप, सिंपली आपको न्यू यूजर साइनअप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू यूजर साइनअप पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये पूछेगा आपका रजिस्टर है, आपका जो है किस रजिस्टर करना चाहते हैं, किस नाम से। फर्स्ट नेम डालेंगे आप, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पैन कार्ड अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो पैन कार्ड डाल दीजिएगा, अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है जो कि आपका पैन नंबर होगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने आपको गार्जियन या फादर का नाम डालना है। हाइएस्ट एजुकेशन कितनी की हुई है आपने, 10th है 12th है, वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। ईमेल एड्रेस आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पे आता है नीचे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर ये पूछेगा आपसे एक पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। नीचे आपको रीटाइप पासवर्ड कर देना है। फिर उसके बाद नीचे देखिए चूज योर यूजर नेम, यहाँ पे एक अपना यूजर नेम आपको चूज करना है। जैसे कि मेरा जॉब सीकर्स है, ऐसे आप कोई भी अपना नाम यूजर नेम चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए की स्किल लिखी हुई है, ये क्या है। यहाँ पे देखिए आपको की स्किल लिखने की, आपको टाइपिंग आती है, डेटा एंट्री आती है, रिज्यूम बनाना आता है, जो जो आपकी स्किल्स है, जो जो आपको आता है वो यहाँ पे आप सारी चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे एंटर सिक्योरिटी कोड है, ये जो कोड है ये आपको यहाँ पे टाइप द टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बॉक्स पर क्लिक कर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये कर देते हैं आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड आता है या एक वेरिफिकेशन लिंक आता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको बहुत सारा काम मिलता है। देखिए कहीं किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए, यहाँ पे डेली चेक कीजिए, आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगे, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है। और जब आप बहुत जगह अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको काम मिल जाता है। तो गाइस देखिए क्लियरली ये मेंशन भी करते हैं कि प्लीज नॉट नोट दैट एनएससी डज नॉट चार्जेस एनी फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल एंड इट्स सर्विस। कोई भी आपसे कोई भी किसी तरह के पैसे नहीं ले जाते, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो घर बैठे ही आपको सारी चीजें मिल रही हैं अपने सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल पीसी लैपटॉप से। तो आज आपको ये अप्लाई कर देना है, किसी और वेबसाइट की तरफ नहीं देखना है। आई होप गाइस कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कोई टेंशन लगेगी तो प्लीज यार कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं वहां आपके पूरे सवालों का जवाब देता हूं। थैंक यू गाइस। तो गाइस देखा आपने कैसे मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें क्लियर की हैं। कोशिश करिए यार कि सारी चीजें बता सकूं। इस चक्कर में कभी वीडियो थोड़ी लंबी भी जाती है, लेकिन आपके कमेंट्स आते हैं कि कोई बात नहीं वीडियो लंबी हो लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। तो यार ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, जेब से एक रुपया आपको खर्च नहीं करना है, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि आपकी जेब से कोई पैसा खर्च कभी ना हो। काम मिले वो मिले आपको बिल्कुल फ्री में, आपकी अर्निंग भी होनी शुरू हो जाए और आप जो काम करें उसका पैसा भी आपको मिले। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे जो डेली विनर हैं वो आखिर विनिंग अमाउंट कैसे जीत सकते हैं, क्या वो क्विज होते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब वीडियो स्टार्ट हुई थी और जब वीडियो एंड होने वाली है तो तीन जगह आपको नंबर फ्लैश हुए होंगे, उन नंबर्स को सिंपली आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और उनका सम कर देना है। दैट्स इट, इतना सही काम है।
अब वो तीन नंबर कहाँ कहाँ है वो तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के पैसे ही मिलते हैं। तो जल्दी से उस नंबर को ढूंढकर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे जो कुछ व्यूअर्स है, जो कुछ सब्सक्राइबर है, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, वो अगर यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैं आपको यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, और वहाँ मैं आपको चैनल ग्रो करने के लिए बताता हूँ कि कैसे आपको चैनल ग्रो करना है, और आपके चैनल को प्रमोट भी करता हूँ। तो वो चैनल सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि वहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब एक दूसरे की वीडियोस को देखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए उस चैनल पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो वो 1000 लोग आपस में दूसरे की वीडियो तो देखेंगे ना, क्योंकि भैया आप लोगों के लिए चैनल है, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, आप उनकी वीडियो को देखोगे वो आपकी वीडियो को देखेंगे, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपका जो वॉच टाइम है और जो आपका सब्सक्राइबर काउंट है वो तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लीगल तरीके से होगा। तो इसलिए वो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, अगर आपने वो चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सबकी वीडियोस को देखिए, सपोर्ट कीजिए, सिर्फ आप लोगों के लिए वो चैनल है। कोई चैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं वहाँ पे आपके हर कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूँ। तो मिलता हूँ यार फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।